हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनास किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ खट्टा मीठा चटपटा पेठा, जिसको खा के आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। अगर आपके घर में बच्चे पेठा नहीं खाते हैं, वो भी खाना स्टार्ट कर देंगे अगर मेरी तरह पेठा बनाओगे तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में हम रिफाइंड ऑयल ले लेंगे। रिफाइंड ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम आधा चम्मच मेथी दाना डाल देंगे। इसको पकने देंगे। और ग्राइंड किया हुआ लहसुन भी साथ में डाल देंगे। एक साबुत लाल मिर्च डालेंगे। एक चुटकी हींग डालेंगे और कस्तूरी मेथी भी डाल देंगे। लहसुन को हल्का सा ब्राउन होने देंगे। लहसुन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें कटा हुआ पेठा डाल देंगे। बहुत बारीक पेठा काटा है मैंने, ऐसे ही कटा हुआ पेठा। पेठे को मैंने धोकर अच्छे से वॉश किया है। खट्टा मीठा पेठा बनाने के लिए मैंने 1 किलो पीला पेठा लिया है, जो बिल्कुल येलो कलर का पेठा होता है वो लिया है मैंने। जो ग्रीन कलर का पेठा होता है मैंने वो नहीं लिया है। ये पेठा खट्टा मीठा बनाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। कुछ लोग छिलके के साथ भी बनाते हैं, छिलके के साथ भी आप इसको बना सकते हैं, पर मैं बिना छिलके के ही बनाना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे पसंद नहीं करते हैं छिलके वाला पेठा खाना। और ये खट्टा मीठा पेठा जो है, जिस तरह से मैं बनाऊंगी, हर बच्चा खाएगा। इसमें हम आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। लाल मिर्च डालेंगे 1/2 चम्मच, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फुल सेक पर इसको पकने देंगे। फ्लेम को फुली रखना है, क्योंकि इसमें जो हमने जो धोया था, जो पानी है इसके अंदर, वो सूखने के लिए हमें इस फ्लेम को थोड़ी देर के लिए फुल पर ही पकाना है, जिससे मसाला भी अच्छे से पक जाए जो हमने अभी ऊपर से डाला है। जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता है, तब तक हम इसको पकने देंगे, तब तक हम इसको रखेंगे और पानी भी इसका सुखाएंगे। आप चाहें तो इसको ढककर भी रख सकते हैं, अगर थोड़ा जल्दी बनाना है तो इसको ढककर भी रख सकते हैं। वैसे भी ये बिना ढके भी अच्छे से गल जाएगा। तो आप देख सकते हो इसका पानी बिल्कुल सूख गया है, अभी ये पका नहीं है। अभी हम इसमें चीनी डालेंगे। मैं इसमें 5 चम्मच चीनी डालूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। 1 किलो पेठा है तो उसके हिसाब से मैंने 5 चम्मच चीनी लिया। इसको मैं मिक्स करके अब फिर से थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूंगी। देख सकते हो चीनी अच्छे से घुल चुकी है इसके अंदर और ये पेठा रसा मिसा हो चुका है। इसमें इतना रस रहना ज़रूरी है, तभी खाने में टेस्टी लगेगा। अभी हम इसमें, जब ये अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें इमली का पानी डालेंगे। मैंने इमली को भिगो के रखा था, अब हम इसमें इसका पानी डाल देंगे। 1/2 कटोरी पानी डाला मैंने इमली का, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा और पकाएंगे और ये पेठा बस बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। को फुल सेक पर ही पकाएंगे हम, थोड़ी देर और पकने के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हो इमली ने भी अपना कलर इतना सुंदर छोड़ दिया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। खट्टे मीठे की चटपटा पेठा लग रहा है बहुत ज़्यादा।
पेठा ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसको गैस को बंद कर दूंगी, क्योंकि मेरे को तो रसा मिसा पेठा अच्छा लगता है। मेरे घर में भी सबको रसा मिसा अच्छा लगता है, जिसमें थोड़ा बहुत रस भी हो। बिल्कुल सूखा सूखा पेठा कोई भी खाना पसंद नहीं करता। और मैं बेट कर रही हूँ, ऐसा पेठा बनाओगे तो आपके घर के बच्चे भी खाने लग जाएंगे। तो पेठे की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये सब्जी एक ऐसी सब्जी है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी सब्जी है, बच्चे घर में नहीं खाते हैं, और ये सब्जी बनाओगे तो बच्चे ज़रूर खाएंगे। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी वापस आऊँगी। थैंक यू।